बेजुबान है परेशान, पॉलिथीन हमारे जीवन को भले ही आसान बनाती है, लेकिन यह इंसान और जानवर दोनों के लिए हानिकारक है। हम सभी जानते हैं कि पॉलिथीन के साथ अगर खाने और पीने की सामग्री मिल जाए तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। रासायनिक परिवर्तन के चलते यह हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करती है। जब जानवर खाने को पॉलिथीन सहित खा लेते हैं तो उनकी दशा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जो आजकल हमारे जितने भी निराश्रित गोवंश हैं, या एक गांव में या शहर में प्रैक्टिस चलती है कि लोग दूध निकालने के बाद गाय को छुट्टा छोड़ देते हैं और शाम को फिर जब वो घूम के आती है तो फिर उसका दूध निकाल लेते हैं, तो इसमें अक्सर गाय इधर उधर घूमती रहती है और कूड़े के ढेर पर जहाँ हम लोग हरी सब्जी काट कर घरों से बाहर डाल देते हैं, एक पॉलीथीन के बैग में रैप करके उसमें डाल देते हैं और उसको, और यदि कोई पॉलीथीन या प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है वो ह्यूमन में पहुंच गया, ह्यूमन से वो वापस मुंह में नहीं आ पाता है, वो वहीं का वहीं सेटल हो जाता है। और सेटल भी होने की वजह ये है कि उसमें जो हमने गाय ने जो खाया है वो उसके अंदर फंस के एक पैकेट टाइप का बना देता है और वो वहाँ पर पड़ा रहता है। खाना तो मुंह में आता है, उसके जो चारा उसने घास खाई है वो खाई है, लेकिन ये पैकेट ऐसे वहां पर रहने की वजह से और वहां उसको ब्लॉक कर देता है। खुले में फेंके हुए पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग और कचरे को खाकर मवेशी बीमार हो रहे हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक को खाने से मरने वाली गायों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत में काफी बड़ी संख्या में शहरी आवारा पशु अपने पेट में खतरनाक सामग्री के कारण विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें पॉलिथीन खाने से मरने वाले जानवरों की संख्या सबसे अधिक है। पॉलिथीन इतनी घातक होती है कि इसको जानवरों द्वारा पचाया नहीं जा सकता और यह उनके मल के द्वारा भी शरीर से बाहर नहीं निकलता और असहनीय दर्द और मौत का कारण बन जाता है। कभी कभी गले में फंसने के कारण भी दम घुटने से गायों की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 500 बिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम मनुष्य ये सोच रहे हैं कि जानवर ही तो मर रहे हैं, हमें इससे परेशान होने की क्या जरूरत, तो आपको बता दें हम सभी को चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन जानवरों का दूध जो हम पीते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि प्लास्टिक या पॉलिथीन में मौजूद केमिकल गाय के दूध को प्रभावित करता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण भी बन सकता है। अब हमें स्वयं के लिए और इस पर्यावरण के लिए पॉलिथीन के प्रयोग को बंद करना ही होगा। पॉलिथीन की जगह कपड़े से बने थैले का प्रयोग करना होगा या कागज के लिफाफे का इस्तेमाल करना होगा। इसके अतिरिक्त आज हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि न तो हमें खुले में कूड़ा फेंकना है और न ही प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल करना है। एक संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना और गायों को बचाना। जय हिंद।